नितिन गडकरी से गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि एनएच 121 को लेकर इस दौरान चर्चा, सड़क का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण करने की मांग भी यहां पर की गई है। बिल्कुल, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार जुड़े हुए। पंकज, मुलाकात कई मायनों में काफी अहम, इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा? पंकज, आप सुन पा रहे हैं? तो लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे, कई बातों को लेकर यहाँ चर्चा हुई। तो एनएच 121 को लेकर भी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से दे रहे हैं। तो कई मायनों में मुलाकात काफी अहम। नितिन गडकरी से गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। एनएच 121 इस चर्चा का एक मुख्य उद्देश्य यहां पर रहा है। तो सड़क का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण करने की जो मांग है वो यहां तीरथ सिंह रावत की तरफ से रखी गई। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर नितिन गडकरी से गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की है। तो तीरथ सिंह रावत की तरफ से नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान एनएच 121 को लेकर चर्चा की गई। तो साथ ही सड़क का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण करने की मांग। तो किस तरह से सड़कों को लेकर निर्माण किया जाना है और जो एनएच 121 बनाया गया उसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाना है, तो सड़क का चौड़ीकरण विस्तारीकरण काफी अहम इस मुलाकात के दौरान रहा। और एक बार फिर से हम रुक करेंगे पंकज का। पंकज, नितिन गडकरी से गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की मुलाकात कई मायनों में काफी अहम, क्या कुछ मुलाकात के दौरान रहा? अब बिल्कुल आपने सही कहा। और पिछले दो दिनों से जो नितिन गडकरी उत्तराखंड की जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर जिस तरीके से गंभीर नजर आ रहे हैं, उन्होंने ऑल वेदर को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। और आज जो प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और प्रदेश के गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत आज नितिन गडकरी से मिले हैं और उन्होंने साफ तौर पर कई जो पौड़ी क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, जो केंद्रीय योजना, जो सड़क की योजनाएं हैं उनको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। उसमें रामनगर से मरचुला, बीरोखाल से बैजरो, थलीसैंण, सलोधार, त्रिपोलीसैंण, पैठाणी, भरसार, पाबो, बुआखाल, लगभग 200 किलोमीटर के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण करने की मांग की गई है। ये वो तमाम इलाके हैं जो ऑल वेदर उसमें नहीं आए हैं। तो लेकिन इनकी जो तमाम लोग हैं इनका ये कहना है कि इसका चौड़ीकरण होना चाहिए और इसको भी ऑल वेदर उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो आज तीरथ सिंह रावत और धन सिंह रावत ने आज नितिन गडकरी से मुलाकात की और बिल्कुल पंकज, इस मुलाकात के दौरान कई मांगे तो यहाँ पर रखती गई है, लेकिन इन मांगों पर किस तरह का आश्वासन, किस तरह से काम होगा, क्या इसको लेकर कोई यहाँ पर बात रखी गई नितिन गडकरी की तरफ से? देखिए, ये तो बात रखी गई है, आज तो अपना प्रपोजल दिया गया है। इसके एक पूरी सड़कों को अगर उसमें शामिल करने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, उसमें डीपीआर और ये तमाम चीजें बनानी होती हैं। तो ये कुल मिलाकर सरकार की यही जो केंद्र सरकार की कोशिश यही है कि अब हम उसमें कितनी उसको शामिल कर सकते हैं। नितिन गडकरी ने तो उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो ये तमाम मांगे हैं इनको पूरा किया जाएगा। चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।